हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये है हरा प्याज। ये बहुत ही अच्छे बीजों का बना हुआ पौधा है जी, मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। ये है 40 रुपए की इतनी बड़ी गुट्टी, ये वेट करके देते हैं। और ये जो प्याज होता है, देखिए आप कितना ब्रीक ब्रीक है, ये देख सकते हैं आप कितना ब्रीक ब्रीक है। और ये सबसे अच्छी उपज देता है, अच्छा प्याज निकल कर आता है, अच्छे बीजों से बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम है विजय भल्ला और मैं गार्डनिंग भल्ला गार्डनिंग ब्लॉग बनाती हूँ। और आपको अपनी जो भी अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में या गमलों में लगवाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए जी, मैंने क्या बनाया है, एक घर में ही जो हमारे कई बार ईंटें वगैरह बच जाती हैं, उससे मैंने एक ये बनाया है, क्यारी बनाई है। और इसमें मैंने मेथी उगाई हुई है पहले, और एक दो बीज देखी ये उसके मूली के भी उग गए, बीच में होंगे कहीं तो है। एक दो मैंने इसमें टमाटर के, जो घर में टमाटर हम खाते हैं उसके बीज इसमें डाल दिए थे, तो ये भी निकल आए हैं। तो बाकी जो स्पेस है ये खाली है, तो मैं इसमें आज जनवरी है, देखो आज है 20 जनवरी, तो ये देखिए ये हम इस महीने में प्याज, हरा प्याज लेने के लिए, और अगर हम इसको सूखा प्याज के रूप में भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रीक ब्रीक ये प्याज है, तो ये जो है ये बड़ा बड़ा प्याज भी बनता है हमारा सूखा। एक तो ऐसा होता है जिसमें हरा प्याज ही हमें मिलता है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा समय तक रखते हैं तो उसमें से हमें सूखा प्याज, जो हम घर में सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, वो मिलता है। और एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ हरी पत्तियाँ ही मिलती हैं और सूखा प्याज कम मिलता है, लेकिन ये जो है इसमें सूखा प्याज भी मिलेगा और हमें पत्तियाँ भी मिलेंगी। अगर हम अर्ली स्टेज में इसको निकाल लेंगे तो इसमें क्या बनेगा, हमें पत्तियाँ मिल जाएंगी, इसकी फूंकें जो हम चटनी बना सकते हैं, और किसी भी जैसे आलू के परौंठे है या कुछ और है, जब ऐसे परौंठा बनाते हैं तो इसका जो हरा चीज़ है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं देखिए, पहले ही मैंने इसमें कुछ ग्रो किया हुआ है, तो इसमें फिर भी देखो कितनी स्पेस है, तो मैं जहाँ जहाँ स्पेस है उसमें इसको लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये जो इसने जो बढ़ना है, इसने प्याज ने बढ़ना है, वो नीचे बढ़ना है, वहाँ जो जड़ है, तो ऊपर जो है ये धनिया बन जाएगा, जहाँ जो हम पालक लगा सकते हैं वो भी बन जाएगा, जैसे दो पौधे टमाटर के लगे हैं वो भी बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिक्स वेजिटेबल्स ग्रो करनी चाहिए, ताकि हम जो हमारी मिट्टी है उससे पूरा पूरा फायदा उठा सकें। तो आज मैं ये प्याज का लगाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि कितनी कितनी दूरी पर आप इसको लगा सकते हैं। आप देख रही है मैंने इसको खोल लिया है, इसका जो धागा था वो मैंने फेंक दिया, निकाल दिया, और इसमें से मैंने ये प्याज, छोटी छोटी प्याज निकाल रहे हैं, और अब मैं इसको ग्रो करने के लिए लगाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए इसके लिए मैंने एक ये डक्का सा ले लिया है, और इससे मैं इसमें थोड़ी सी स्पेस बनाऊंगी, और जैसे कि जहाँ पर उगा नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ हुआ, तो पहले हम ऐसे इसमें छोटे छोटे ये बना लेंगे, देखिए। और इतना